हेलो नमस्ते, मैं हूं आशी और आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में ही देखी जाती थी, लेकिन आजकल हर एक एज ग्रुप के लोगों में देखी जा रही है। जी हाँ, लोअर बैक पेन इशू। लोअर बैक पेन इशू किसी भी वजह से हो सकता है, हमारे ऑफिस में बहुत लंबे टाइम तक एक ही सीट पर बैठे रहने से, हमारे मेन इम्पॉर्टेंट पॉस्चर से, हम किस तरह से खड़े होते हैं, बैठते हैं या फिर चलते हैं, और स्लिप डिस्क से, और भी ना जाने कितने ही कारणों से लोअर बैक पेन इशू हो जाता है। तो ऐसे कौन से आसनास हैं जो हमारे लोअर बैक को न केवल स्कंदन करते हैं बल्कि स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन से। शुरू करते हैं पहले आसन से जिसका नाम है पवन मुक्तासन। और हम जो भी मैं अभी आसन बताने जा रही हूँ वो सभी आसन लेट कर होंगे, तो आराम से अपने मैट पर शवासन की पोजीशन पे लेट जाइए। माइंड को रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए क्या करेंगे, हमारे दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, एक पैर को अपने हिप के पास लेकर आएंगे, अपने हाथों को की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए घुटनों को पकड़ेंगे और हमारी चेस्ट के पास इसे लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप कर पाएंगे, चेस्ट के पास लाइएगा और इसे ज़ोर से पुश कीजिएगा। अपनी लोअर बैक में हो रहे एक चेंज को फील करेंगे, हम थोड़ी देर रुकेंगे इसी में। यही चीज़ हम दूसरे पैर से भी करेंगे। इंटरलॉक कीजिए और पकड़ के इसे अपनी चेस्ट के पास लाइए, वेट कीजिए। और धीरे धीरे अपने छोड़ दीजिए इसे। इसे आप दिन में 20 बार, एक पैर से 20 बार, तो दोनों पैरों से हो गए 40 बार आप करेंगे। फिर अपने दोनों पैरों को अपने हिप के पास लाइए और इनको आप घुटनों को मोड़िए, इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाके अपने जो फेस है उसे उठाइए और अपने घुटनों को देखने की कोशिश करिएगा, जितना हो उतना कीजिएगा। करते टाइम अगर आपके बैक में कोई दर्द हो रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और जितना हो उतना ही कीजिएगा। इस टाइम आपके जो अंगूठे हैं वो ऊपर की तरफ देखते हुए होंगे। धीरे धीरे पोस्चर से बाहर आ जाइए, पैरों को नीचे करते हुए पैरों को सीधा कर लीजिए। अगला आसन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बटरफ्लाई पोज का ही एक वेरिएशन पोस्चर है जो कि बैक पेन में बहुत हेल्प करता है और इसका नाम है रिंकलाइंड बटरफ्लाई पोज। उसके लिए शवासन की पोजीशन पे आराम से लेट जाइए, अपने घुटनों को मोड़िए, ठीक है, और अपने थाइस को इस तरह से बटरफ्लाई की तरह करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपस में मिलाएंगे हम और जमीन पर इजीली अपने दोनों थाइस को इस तरह से खोलते हुए अपने पैरों को आप मिला लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अपने जो हाथों की हथेलियां हैं उन्हें हम थाइस और हमारी जो अपर बॉडी है यहाँ पे जो एक कट होता है इस जगह से आप पुश, पैरों को आप जोर से एक दूसरे में मिला लीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। प्रेशर फील करेंगे हम दोनों पैरों को, बीच में से आप दोनों पैरों पे पुश करेंगे तो आपके जो पैरों के पे है एक जोर पड़ेगा कुछ इस तरह से। अगर अपन हाथों से करें तो इस तरह से आप उसको पुश करेंगे। हम हमारे दोनों हाथों से इस जगह जो कट होता है यहाँ पे आगे की तरफ पुश करेंगे कुछ इस तरह से। चेस्ट सीधा, कमर सीधी, फील करिए चेंज को। एक लोअर बैक में आपके एक
कुछ जो भी महसूस हो उसे फील कीजिए, रिलैक्स कीजिए। चंद जी सेकंड्स का वेट करिए आप। अब पोस्चर से आप बाहर कैसे आएंगे, पहले अपने हाथों को ढीला छोड़िए, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए और पैरों को फिर सीधा कर लेंगे हम और रिलैक्स करेंगे। और धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। अगला जो मैं आसना आपको बताने जा रही हूँ वो भी एक पिजन पोज का वेरिएशन पोस्चर है जो बैक इशू में बहुत हेल्प करता है, रिंकलाइंड पिजन पोज। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मैट पे आप लेट जाइए, अपने एक पैर को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, घुटना ना मुड़ा हुआ हो आप ध्यान दीजिएगा, दूसरे पैर को उठा के घुटने के जस्ट जो नीचे का हिस्सा होता है, थाइस जहाँ से एंड होती है, घुटना जहाँ से शुरू होता है, उसके जस्ट यहाँ इस साइड आप अपने पैरों को लगाएंगे। अब इस वाले जो हाथ है, जो आपका ऊपर पैर है, उसी का जो राइट लेग है, तो राइट हैंड आपका आपके इस पैर से नीचे की तरफ जाएगा। रोकने की कोशिश कीजिएगा और लॉक कर लीजिए। वेट कीजिए, नेक को नीचे कर लीजिए, सॉरी अंदर की तरफ से आप लॉक करेंगे इसे। आपको इस जगह कोई एक खिंचाव महसूस होगा, महसूस कीजिएगा उसे। इस पोस्चर पे आप पैरों को सीधा इस तरह से रखेंगे, 20 सेकंड्स तक इसी पोस्चर पे रहेंगे। धीरे धीरे इस पैर को नीचे की तरफ लाइए, इस पैर को आराम से आप उठा लीजिए और नीचे रखिए। यही चीज हम दूसरे पैर से करेंगे। पैरों को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को आप घुटनों से जस्ट ऊपर लगाएंगे। अब इस हाथ को आप अंदर की तरफ से लेंगे और लॉक करेंगे। थोड़ा सा आप इस पैर को मोड़ लीजिएगा। अब इस ये पोजीशन एक बार आप बन गई तो अपने सिर को नीचे की तरफ रखकर रिलैक्स कीजिएगा। एक पोस्चर पे आप 20 सेकंड्स के लिए रहिएगा। रिपीट में कर इसे कम से कम दिन में 10 बार आप ज़रूर करिएगा, ये आपके लोअर बैक में बहुत हद तक मदद करेगा। अब धीरे धीरे इस पैर को पहले नीचे लाइएगा, दूसरे पैर को उठा लीजिए और रिलैक्स कीजिए। अब इजीली अपने हाथों को करते हुए आप साइड से, यानी अगर आपके बैक इशू है तो आप डायरेक्ट कभी नहीं उठेंगे, अपनी जो कोहनी है इसको सपोर्ट बनाते हुए घूम कर आप सीधे हो जाएंगे। झटके से खड़े मत होइएगा, आपके बैक पेन का इशू बढ़ सकता है तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगले जो हम आसनास करेंगे वो हम बैठ के करेंगे, ये आपके बैक पेन में बहुत हद तक हेल्प करेगा। तो चलिए बैठ के आसन को शुरू करते हैं। वज्रासन की पोजीशन पे आप बैठ जाएंगे, अपने हिप्स को अपनी एड़ियों पे रखकर आप वज्रासन की पोजीशन पे बैठ जाएंगे। उसके बाद हमारे हाथों की जो हथेलियां हैं, पाम्स हैं, उनको हम फर्श पे इस तरह से लगाएंगे और कुछ इस तरह से घुटनों को मोड़ते हुए आगे की तरफ हाथों को पूरा हाथों पे वजन करते हुए हम इस पोजीशन पे आएंगे। हम बनाने जा रहे हैं काउ एंड कैट पोज, जो बैक लोअर बैक के लिए बहुत हद तक हेल्पफुल रहता है। तो अब क्या करेंगे, जब हम ब्रीद इन करेंगे तो हम काउ में आएंगे, ब्रीद आउट करेंगे तब हम कैट पे आएंगे। कुछ इस तरह से ब्रीद इन, सर को ऊपर की तरफ उठाइए, लोअर जो ये बैक है यहाँ पे एक सी का आकार बनेगा आपका, नीचे की तरफ करिए, सर को ऊपर की तरफ उठाइए। ब्रीथ इन कैट पोज कैसे होगा, सर को नीचे की तरफ लाइए,
कमर को ऊपर की तरफ उठाते हुए शोल्डर को खोलिए, कैट पोज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, काउ पोज, ब्रीद आउट, कैट पोज, ब्रीद इन, काउ पोज, ब्रीद आउट, कैट पोज। धीरे धीरे अपने घुटनों पे आ जाइए और रिलैक्स कीजिए। अगला जो आसन बताने जा रही हूँ ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है और आपकी लोअर बैक को भी एक हद तक दूर करने करता है। ये क्या कीजिएगा, अगर हो सके तो दोनों घुटनों को मिला लीजिए पैरों को, उसके बाद अपने हाथों को जस्ट अपने सर को अपन जो फॉरहेड एरिया है हमारा उसे फर्श से लगाएंगे कुछ इस तरह से और रिलैक्स करेंगे। चाइल्ड पोजीशन पोजीशन पे आएंगे, इसका नाम है चाइल्ड पोज। रिलैक्स कीजिए, आप ये डेली 1 मिनट तक करेंगे। धीरे धीरे पहले सर को उठाइए और फिर आप अपनी पूरी बॉडी को उठा लेंगे। जिन लोगों से यानी अपने थाइस को मिलाकर नहीं हो, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, उनका पेट आया हुआ हो सकता है, उनका कुछ भी मोटापा उनका एक रीज़न हो सकता है कि वो अपने पेट को कुछ इस तरह से ना कर पाए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, अपने दोनों पैरों को थाइस को पैरों को दूर कर लीजिए, आपस में एक गैप होना चाहिए बीच में। धीरे धीरे नीचे की तरफ बैंड कीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ उठा के स्लाइड करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे हम। अपने चेस्ट को फर्श से लगाएंगे, फॉरहेड को फर्श से लगाएंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी हम डेली पहले सर को उठाएंगे, धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ लाएंगे, पैरों को आपस में मिलाएंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी आपको दिन में 1 मिनट करना है। तो आज मैंने जो भी आपको आसान आसनास बताए ये आपके लोअर बैक में ज़रूर मदद करेंगे आप अगर डेली करते हैं। लेकिन जिनके कोई मेजर सर्जरी हुई हो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह के बिना कोई आसन मत कीजिएगा, ये आपकी प्रॉब्लम को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अंत में अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे भी इस तरह के वीडियो बनाती रहूँगी और आपके लिए लाती रहूँगी।